अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। और जो है वो आज जो है वो थोड़ी सी बोरियत सी फील हो रही थी। मैंने कहा चलें जी एक आउटिंग का राउंड लगा कर आएँ। और 14 अगस्त वगैरह भी आ रही है, तो बच्चों ने जो है वो मैंने ना अपनी बालकनी से देखा तो बच्चों ने जो है वो स्टॉल वगैरह लगाए हुए थे। मैंने कहा चलें जी आज बच्चों के जो है वो स्टॉल वगैरह देख कर आते हैं और उनको अप्रिशिएट करके आते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जब स्टॉल वगैरह लगाते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अपने ही बच्चों को, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको चीज़ें दिलानी चाहिए और लेनी चाहिए वहाँ से, ताकि जो है उनको मोटिवेशन मिले आगे भी और हमारे बच्चे भी खुश हो जाएँ और बच्चों की थोड़ी बहुत जो जो इनकम करते हैं वो भी होनी चाहिए, तो अच्छी बात है। और बच्चों में ये आदत होनी चाहिए कि वो सेल्फ मेड हो सकें, और आगे जो है वो एक कॉन्फिडेंस आता है इनमें बच्चों में ना, तो इतनी इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो आइए चलें जी नीचे चलते हैं और बच्चों के स्टॉल वगैरह देखते हैं। भाई ये बच्चों ने स्टॉल लगाया हुआ है और इनको बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आपके स्टॉल में क्या क्या चीज़ें हैं? आ जाए आ जाए आप आ जाए। पेंट्स भी हैं। अच्छा ये वो है ना पटाखे छोटे छोटे, कोई उड़ ना जाए। देखो देखो और ये बाजे, हाय बाजे बजा बजा के तो हमारा दिमाग खराब किया हुआ है तुम लोगों ने, सारे बच्चों ने। सीधे तो करो, बैठो बैठो। भाई इनसे जो है वो चीज़ें लेकर, ऐसे बच्चे जो स्टॉल लगाते हैं उनसे चीज़ें लेकर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो है वो ताकि जो है इनको कॉन्फिडेंस आ भी आए और अच्छे भी, मतलब चीज़ें भी इनको बिक जाएं, जो इनका प्रॉफिट प्रॉफिट है वो भी निकल जाए भाई बच्चों का। तो हमारी ही गली में 4-5 लगे हुए हैं। अब जो है ना वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे तो भाई लोग देख ले भी रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाएंगे। और अभी वो मार्क्स मेरा बेटा ले कह रहा था, तो वो अभी उनके पापा कहते हैं मैं दिला देती हूँ भाई मार्क्स। हाँ ये वाला मार्क्स है, मैं दिलाती हूँ। चलें जी एक और जो है वो आ गया। वाह वाह इतने सारे बाजे बिक भी रहे हैं, जबरदस्त भाई। ये जो वाह क्या चीजें लगाई हैं, बलून भी हैं आपके पास, सब कुछ है। अच्छा चूड़ियां भी हैं, कितने की दे रहे हो चूड़ियां सेट? 100 की। एक ही साइज है, हर साइज है, और भी साइज है। बलून भी हैं भाई ये इनके पास जो है, ये तो भाई ये पहनते हैं भाई, जबरदस्त। ये देखो भाई ये तो बड़े जबरदस्त इनके पास ये है बैजेस, ये तो यूनिक आए नए आए। रिंग्स भी हैं, अरे ये भी नया है। ये कितने की दे रहे हैं आप? 50 की। 50 की? छोटे छोटे दूर हो जाते हैं। चलो जी बहुत अच्छा स्टॉल लगा हुआ है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपके प्रॉफिट दिलाए। बाकी एक और लगा हुआ है, एक और है भाई, एक और दिखाते हैं। ओ नहीं करो भाई, नहीं 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 करो नहीं करो भाई। ये स्टॉल देखें कितना जबरदस्त स्टॉल लगाया भाई, ये भी छोले वाले वाह। अच्छा तुम हो, अरे वाह भाई ये तो बड़ी जबरदस्त है। नहीं नहीं करो, ये छोटी छोटी चूड़ियां भी हैं इसमें तो, जबरदस्त मार्क्स भी है। ये बैंड है हाथ में पहनने के, इनके पास भी बड़े यूनिक से जो है वो बैजेस हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा है। और ये जो है वो बुरी बात, ये देखिए बैंड, ये देखिए मैंने भी पहना हुआ है।
अच्छा इन्होंने तो दुपट्टे भी रखे हुए हैं और वो भी है। चलो भाई तुम लोगों की बिक्री विक्री भी हो रही है। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक भाई तुम लोगों को कामयाब करे, और अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे बच्चों को जो लगाए में। बाकी आगे भी है, बहुत सारे आगे कहाँ है, अपना वाला तो देख लो। चले हम देख लग रहा हूँ, अपना स्टॉल छोड़ के आप इधर उधर फिर रहे हैं। ये इस स्टॉल को भी जो है वो कवर करते हैं भाई, ये स्टॉल बाकी रह गया। भाई आप लोगों के पास क्या क्या है? ये सब आ रहा है आपका तो बिग गेट में सारा है, खाली हो गया आपका स्टॉल। मालिक ये खड़े हुए, अच्छा अरे आपका तो इतना सारा बिक गया सामान, जबरदस्त भाई माशाल्लाह। क्या क्या है आपके स्टॉल पे आप तो बताएं, मैं तो सारों को कवर करके आई हूँ, अब आप लोग बताइए आप कितने स्टॉल बिक गए। अच्छा ये इसको एक दो खोल के तो रखो ताकि नजर तो आए हवा से, वो जैसे उन लोगों ने रखे हुए, पता कैसे चलेगा आपके पास ये वाले भी हैं। तो इस तरह खड़ा करके रखो ना किसी चीज में, वही मिट्टी के उसमें करके मिट्टी। अच्छा भाई आप लोग बताएं क्या क्या चीजें हैं। हाँ सही किया आपने शॉपर में रखा ना, मैले भी नहीं होगा और लोग ले भी नहीं। अरे वाह भाई आपकी तो बिक भी गई, वहाँ पे मैंने दूसरे वाले स्टॉल में देखा वहाँ पर तो इतनी सारी उनकी रखी हुई है अभी तक। ओ वाह आपके पास घड़ियाँ भी हैं, जरा दिखाओ कैसी घड़ियाँ हैं आपकी। अलग अलग जबरदस्त चलती हैं, लाइट वाली है या नहीं? लाइट वाली है, दिखाओ भाई बटन ना आगे पीछे होगा। वाह भाई वाह, ये तो यूनिक सी है भाई, जबरदस्त है ये तो। ये तो मुझे कहीं नजर नहीं आई ऐसी कोई चीज। ओ वाह ये क्या है, नेल्स है। वाह भाई मैं तो एक बाय करूंगी अभी इसमें। चश्मा भी है, चश्मा भी है। हाँ वहाँ पे मैंने देखा था अभी वहाँ पे बच्चे के स्टॉल पे कि चश्मा भी था। चलो अच्छा गुड गुड, चलिए ऐसे बच्चों को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए स्टॉल्स पे, और अच्छी बात है थोड़ा टाइम जो है वो एक्टिविटी इनमें होना चाहिए, मोबाइल वगैरह से इनसे जो है ना हटके, गेम्स वगैरह से हटके और ये एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो जी ये था आज का मेरा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा और बच्चों की एफर्ट्स जो हैं वो भी पसंद आई होगी, और इसी तरह के आपके भी जो है वो इलाकों में जो है वो बच्चों ने अगर स्टॉल वगैरह लगाए हुए हों तो उनको अप्रिशिएट करा करें, और अपने भी घर के बच्चों को जो है उनसे चीज़ें दिलाया करें, ना कि बड़े बड़े स्टॉल्स पर जाके जो है वो चीज़ें दिलाएँ, क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों से लेते हैं तो उनका दिल भी खुश होता है और अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है, अप्रिशिएट भी करना चाहिए ऐसे बच्चों को। और खुश हुए मैंने अपने बेटे को जो है उनके स्टॉल से मार्क्स वगैरह दिलाया तो वो बहुत खुश हुए, और जो जिनकी सेल हुई वो भी बच्चे बहुत खुश हुए। तो आई होप आपको जो है मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब हम जाएंगे खाना खाने, मैं खाना गर्म करने रखकर आई हूँ, और फिर इंशाल्लाह एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे। तो जब तक के लिए इस व्लॉग को देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।